अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ सैयद फरकान गिलानी और गिलानी एकेडमी में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। फ्रेंड एंड स्टूडेंट्स, आज तक मुझसे कई लोगों ने यह पूछा है कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ को कैसे, हम कैलकुलेटर और किताब के बग़ैर हम उसको कैसे मालूम कर सकते हैं। बाज़ अवक़ात हमारे पास कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं कि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ का नहीं पता होता या हमारे पास कैलकुलेटर या किताब नहीं होती, जिसकी वजह से हम उसको अटैम्प्ट नहीं कर पाते। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप बग़ैर कैलकुलेटर के या बग़ैर किताब के आप ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल के आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नई इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस जो आएँ सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। तो चलते हैं हम इस वीडियो की तरफ और हम आपको बताते हैं कि कैसे किताब के बगैर या कैलकुलेटर के बगैर आप इन वैल्यूज़ को आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास किताब नहीं है या कैलकुलेटर नहीं है, अगर आपके पास कोई इस तरह की वैल्यूज़ आ जाती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको एक मिनट के अंदर ख़ुद ही डिराइव कर सकते हैं और मालूम कर सकते हैं कि किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की क्या वैल्यू बन रही है। तो उसके लिए मैं आपको एक आसान सी ट्रिक बताता हूँ, उस ट्रिक को आप यूज़ करते हुए आप इसको मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये करें कि आप एक टेबल ड्रा कर लें, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। सबसे पहले ज़ीरो से स्टार्ट करें, 0 डिग्री, फिर उसके बाद होती है 30 डिग्री, फिर लिख लें आप 45 डिग्री, फिर लिख लें आप 60 डिग्री, और उसके बाद आप लिख लें 90 डिग्री। इन वैल्यूज़ पे आपने इन तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को कैलकुलेट करना है। तो इसका ट्रिक ये है कि सबसे पहले आपने ये करना है कि साइन थीटा जो लिखा हुआ है इसके 0 से स्टार्ट लेना है। आपने यहाँ काउंटिंग लिखनी है, सिंपल काउंटिंग, 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो ये आपने सिंपल काउंटिंग लिखी असेंडिंग ऑर्डर में। अब कॉस थीटा में यही काउंटिंग आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखनी है, इधर से 0, 1, 2, 3 एंड 4। अब देखें, इसके बाद हमने ये करना है कि इस, चूँकि जो वैल्यू हमने ये लिखी हुई है वही वैल्यूज़ हमने ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखी हुई है, इसलिए हम सिर्फ इन वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करते हैं तो ख़ुद ब खुद हमें इन वैल्यूज़ का भी पता चलता जाएगा। तो जैसे हम ये करते हैं कि इस तमाम वैल्यूज़ को आप 4 से डिवाइड कर लें, और सब के ऊपर अंडर रूट अप्लाई कर लें। अब चूंकि यहाँ पे हमने सिंप्लीफाई करना है तो दोबारा से एक टेबल कंस्ट्रक्ट कर लें, फोर्टी फाइव पे, उसके बाद आप लिखें 60 डिग्री पे, और आखिर पे है 90 डिग्री पे। तो अब देखें, 0 को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 0 आता है और 0 का अंडर रूट 0 ही होता है। तो इसके ऊपर अंडर रूट अप्लाई करें तो 1 का अंडर रूट 1 ही होता है और 4 का अंडर रूट 2 होता है। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2 डिवाइडेड बाई 4 को, ये 1 ओवर 2 आएगा। जब इसके ऊपर आप अंडर रूट अप्लाई करेंगे तो ये 1 ओवर अंडर रूट 2 बन जाएगा। जब इसको सिंप्लीफाई करें, अंडर रूट 3, इसका स्केयर रूट 3 होता है और 4 का 2 हो जाएगा। 4 डिवाइडेड बाई 4 1 होता है और 1 का स्केयर रूट 1 ही होता है। अब देखें फ्रेंड्स, जैसे आपने ये लिखा है कि यहाँ पे इसको, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि यही वैल्यूज़ हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में ये लिखी हैं, इस पर भी हमने यही प्रोसेस किया हुआ है, तो इन्हीं वैल्यूज़ को आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लें। ये इधर 0 है तो इधर आपका 0 यहाँ लिखें, ये 1 ओवर 2 है तो ये 1 ओवर 2 यहाँ लिखें, ये 1 ओवर अंडर रूट 2 इसी के नीचे लिखें, अंडर रूट 3 बाई 2 यहाँ पर लिखें, और ये 1 आप यहाँ पे लिख लें। तो जैसे कि हमें पता है कि टेन थीटा जो इक्वल होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, तो आप टेन थीटा की जगह पे इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करके लिख सकते हैं, 0 ओवर 1 0, तो ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 1 ओवर अंडर रूट 3, अंडर रूट 2 से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 1, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा तो ये अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 1, ये अंडर रूट 3 बचेगा, और आखिर पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे है 1 डिवाइडेड बाई 0। तो 1 डिवाइडेड बाई 0 ये कभी इसको डिफाइन नहीं कर सकता, तो इसलिए हमारे पास अनडिफाइंड वैल्यू आती है, तो इसलिए हम इसको इन्फिनिटी से डिनोट करते हैं। तो ये इस तरह से आपके पास एक मुकम्मल ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आ जाता है। तो आप यहाँ से देख के कोई भी वैल्यू साइन, कॉस या टेन की, किसी भी इनमें से किसी भी वैल्यू पर आप इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं।
उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं है तो आप इसको दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।